नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं शीतल राजपूत। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बनारस का पूरा सियासी गणित बदल गया है। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए दो बड़े सियासी दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। अब काशी में पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली मोदी को घेरेंगे। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कुछ भी कर डाले कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोधियों का सारा समीकरण मोदी की आंधी में उड़ जाएगा। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच दिया गया है। एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगा। बनारस के रण में मैदान छोड़ चुके पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई ने कांग्रेस के अजय राय को समर्थन का ऐलान कर सबको चौंका दिया। आज एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, हो सकता है बहुत से लोगों को यह फैसला अप्रत्याशित लगे। चुनाव लोकसभा का हो रहा है, बनारस के लोकसभा के चुनाव से दिल्ली में सरकार के गठन तक का एक मंसूबा सामने रख करके हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेंगे। काशी के चक्रव्यूह की पूरी रणनीति बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि बनारस में मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह रचा कैसे गया। चक्रव्यूह रचने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद बनारस आए। बनारस के फाइव स्टार ताज होटल के बंद कमरे में गुलाम नबी आजाद, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के बीच गुप्त बैठक हुई। सियासत में न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। मुख्तार अंसारी और अजय राय एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन बैठक के बाद अफजाल अंसारी ने अजय राय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। और आइए अब आपको बनारस का जातीय समीकरण समझाते हैं। कुल वोटर वाराणसी में 16 लाख है, जिसमें से 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर है। इसके अलावा पटेल 2 लाख, वैश्य 2 लाख, यादव 1 लाख, भूमिहर 90,000, दलित 80,000 और ठाकुर वोट 65,000 है। कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय भूमिहार है। भूमिहार वोटर्स पर अजय राय की अच्छी खासी पकड़ है। अगर मुख्तार अंसारी के समर्थन के बाद मुस्लिम वोटर भी अजय राय के साथ आ जाते हैं तो अजय राय की ताकत बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा घाटा तो केजरीवाल को होगा, बेचारे न इधर के रहे न उधर के रहे। अफजाल अंसारी के समर्थन से कांग्रेस अब दम भरने लगी है। वहीं बीजेपी कह रही है ऐसे लोगों का साथ कांग्रेस को ही मुबारक हो। ऐसे लोगों का समर्थन कांग्रेस को मुबारक हो। आई वुड हैव बीन एम्बैरेस्ड इफ यू वर सपोर्टिंग अस।